कि हम लोग जब नॉन मुस्लिम दावत देते हैं दावती फील्ड में, कि कई बार हम लोग पास रिसोर्सेस थोड़ा कम पड़ जाते हैं, रिसोर्सेस मटेरियल, तो ऐसे में दूसरे ग्रुप दूसरे जमात इस्लामी वाले लोग से कुरान के मामले में उनका पैम्पलेट यूज़ करना या उनका स्टेज यूज़ करना, कहीं कैसे एरिया उनका पकड़ है हमारा पकड़ नहीं है, तो उनका स्टेज यूज़ करना ये कैसे रहेगा, स्टेज उनका मटेरियल उनका सोर्सेज। जमात इस्लामी हो या तबलीगी जमात हो या बरेलवी हजरात हो या जो भी हो, तो हम छोटा काम करें उसको बड़ा बनाएं, लेकिन शॉर्टकट के लिए हम उनको उनके स्टेज को इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, इसलिए कि अगर उनका स्टेज हम इस्तेमाल करते हैं तो बाद में जब हम उस स्टेज को छोड़ेंगे तो पब्लिक उस स्टेज पे जाएगी, हमारे पास नहीं आएगी, तो नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि जो मवाद अवेलेबल है उसको किसी तरह से तर्जमा हो जाए या वो प्रिंट हो जाए या अवेलेबल जो कुछ भी है उसको जमा करें, इंटरनेट से जमा करके किताबें बहुत सारी उसको आप प्रिंट कराएं, जेरोक्स कराएं कम से कम, तो जो है उसी में काम कीजिए, अल्लाह ताला उसमें ही इंशाल्लाह बरकत देगा इंशाल्लाह। और एक छोटा सा सवाल है कि नॉर्मली दाई उलमा और स्पीकर ये सब में क्या फ़र्क है, हमें ऐसा लगता है कि जो अच्छा बोल रहा है यही तो वो ये तो है आलिम है, ये उलमा है। नहीं देखिए, सबसे इसमें अहम शख्सियत आलिम की होती है, क्योंकि आलिम दीन में सही और गलत की तमीज़ रखता है, उसको हक और बातिल मालूम होता है, तो बाज़ औक़ात आलिम बोलने में इतना एक्सपर्ट नहीं होता है लेकिन जानता है वो कि सही क्या है गलत क्या है, तो आलिम ही असल शख्सियत है जो उम्मत की रहबरी कर सकता है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल उलमा हुम वरथतुल अंबिया, उलमा ही अंबिया के वारिस हैं। अब उलमा की मातहती में अगर कुछ लोग रहकर दीन की कुछ बातें सीखते हैं और उसको दूसरों तक पहुँचाते हैं तो ये दावत का काम करते हैं, तो ऐसे लोग भी सही लोग हैं, बशर्ते कि वो सही उलमा के मातहत हों और सही तरीके से सही बात बयान कर रहे हों। और स्पीकर बात करने वाला, तो स्पीकर सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, जैसे दाई सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, आलिम सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो बाद अवकात दाई से मुराद वो होता है जो लोगों को चल फिर के जा के दावत देता है, लेकिन स्टेज पे खड़े कर दें तो उसको बात करने नहीं आता है, लेकिन पर्सनल इसमें बात कर सकता है, कोई स्टेज पे भी कर सकता है। और स्पीकर जो होता है जनरली उसको बोलते हैं जो मतलब बयान वगैरह करता है, तो अगर ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक करते हैं, उलमा की रहबरी में करते हैं, तो अगर आलिम नहीं भी हैं तब भी ठीक है, बशर्ते कि उलमा की तरफ से उनको इजाज़त इस चीज़ की हो।